निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को भले ही झटका लगा हो, लेकिन अखिलेश यादव इस निराशा का असर 2024 के चुनाव पर नहीं पड़ने देना चाहते। आज अखिलेश यादव ने पार्टी दफ्तर में बड़ी बैठक की, करीब ढाई घंटे तक चली इस बैठक में इस बात पर लंबी चर्चा हुई कि लोकसभा चुनाव में ऐसा क्या किया जाए कि भाजपा को चुनौती दी जा सके। इस बैठक में रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव भी मौजूद थे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर एक बार फिर पार्टी विधायकों और नेताओं का जमावड़ा लगा। इस बैठक में जिला अध्यक्ष से लेकर महानगर अध्यक्ष तक शामिल हुए। मुद्दा ये था कि लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए। करीब ढाई घंटे तक चली इस बैठक में अखिलेश यादव के अलावा रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव भी मौजूद थे। इस बैठक में सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया कि बूथ स्तर तक पार्टी मजबूत कैसे होगी। अब खबर है कि 20 जून तक नई कमेटियों का गठन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी बूथ, सेक्टर और जोन स्तर पर कमेटियां तैयार करेगी। इसके बाद इन कमेटियों का सत्यापन किया जाएगा। कमेटियों के गठन में जातीय समीकरण का खास तौर से ख्याल रखा जाएगा, मतलब जहां जिस जाति के लोग ज्यादा होंगे वहां उसी जाति के लोगों को तवज्जो दी जाएगी। जिन्हें पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की बैठक बुलाई थी, लगभग 2.5 से 3 घंटे बैठक चली। बैठक में नगर निगम के चुनाव को लेकर समीक्षा भी हुई और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। पूरे प्रदेश के संगठन को निर्देशित किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, बूथ कमेटियां बनाकर जिलेवार गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जा करके समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। यानी अखिलेश का अब पूरा फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। गठबंधन की तस्वीर भले साफ न हुई हो, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर लेना चाहती है। पूरे प्रदेश के संगठन को निर्देश दिया गया है कि वो बूथ कमेटियां बनाकर जिलेवार और गांव-गांव तक लोगों को जोड़ने का काम करे। संगठन को मजबूत करने के 2 महीने बाद आंदोलन शुरू करने की तैयारी भी चल रही है। तो बैठा था राष्ट्रीय दे दिया कि हमें बूथ पर काम करना है और हम लोग बूथ पर जाकर सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी, हमारे जो पूर्व प्रत्याशी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं उनको लेकर तालमेल करके हम लोग को लोकसभा चुनाव लड़ना है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश है समाजवादी पार्टी का 2024 में चुनाव लड़ने का, लोकसभा में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने के लिए आज यहाँ पर हम लोगों को जो है सुझाव दिया गया। अब मूल रूप से हमारी लड़ाई हम लोग बूथों पर, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ कमेटियाँ बना करके वहाँ पर अपने दल को मजबूत करने का काम करें। समाजवादी पार्टी का सबसे ज्यादा जोर लोहियावादियों और अंबेडकर वादियों को एक मंच पर लाने का है, यानी दलित और पिछड़े वोटरों को एकजुट करना। और अब आपको बता दें कि ढाई घंटे तक चली सपा की इस बैठक में क्या निष्कर्ष निकाला गया है। 24 की लड़ाई का ब्लूप्रिंट समाजवादी पार्टी तैयार करने में जुटी है। यूपी की सभी 80 सीटों पर पैर जमाने की कोशिश, हाथ से निकल चुके परंपरागत सीटों पर मजबूत करने का लक्ष्य। रामपुर, आजमगढ़, बदायूं, फिरोजाबाद, कन्नौज के लिए खास प्लान तैयार किया गया है। हर बूथ पर मजबूती से काम करने की तैयारी है। गांव-गांव जाकर मतदाताओं से संवाद किया जाएगा, यह भी प्लानिंग है। सोशल इंजीनियरिंग पर सबसे ज्यादा फोकस, दलित पिछड़ा वर्ग वोट के लिए सबसे बड़ी रणनीति बनाने में जुटी है और मुस्लिम वोट पर भी अखिलेश यादव का जोर है। महिला मतदाताओं को पार्टी के साथ जुड़ने की कोशिश है, दूर होते वोट बैंक को फिर से साथ में लाने की कवायद है। ये इस बैठक में ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।